हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, हाउ मैनी टाइम्स पार्ट 2। अब हम आज यहां से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 130 आपकी टेक्स्ट बुक का आपको ओपन करना है। स्टिक प्ले। मिठू हैड सम स्टिक्स। मिठू के पास कुछ स्टिक्स थी। शी अरेंज्ड देम लाइक दिस। उसने कैसे अरेंज की? ऐसे। अब ये देखिए, ये वर्टिकल स्टिक्स है 1 2 3 4, और ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी ये वर्टिकल है 1 2 3 4 एंड 5। 5 वर्टिकल स्टिक्स है और उसके बाद में उसने ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंज किए। ओके, तो अब ये देखिए 1 टाइम 5 जो मिठू ने अरेंज की है वर्टिकल स्टिक्स, वो कैसे कितनी है? 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो उसी पे उसने एक हॉरिजॉन्टल स्टिक क्रॉस किए सबसे पहले, ठीक है। तो कितना होगा? 1 टाइम 5, यानी क्रॉस पॉइंट्स कितने हो रहे हैं? वो जो 1 स्टिक है जो हॉरिजॉन्टल, वो 5 वर्टिकल स्टिक पे क्रॉस कर रही है, क्रॉस पॉइंट्स पे 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 टाइम 5 कितना हो जाएगा? 5। 1 5 ज़ा 5। सेकंड वापस एक स्टिक क्रॉस कर रही है वो, ओके तो क्रॉस पॉइंट्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5, ये वाले क्रॉस पॉइंट प्लस ऊपर के 5 प्लस 5 10, तो 2 टाइम्स 5 कितना होता है वैसे भी? 10। इसके बाद थर्ड स्टिक हॉरिजॉन्टल वो क्रॉस कर रही है, तो टोटल क्रॉस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 15। 3 टाइम्स 5, ओके तो 3 5 ज़ा 15। फोर, नेक्स्ट फोर्थ स्टिक को क्रॉस कर रही है, तो 4 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 4 5 ज़ा 20। या आप ऐसे भी प्लस करके देखेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा। ये देखिए 5 प्लस 5, ये क्रॉस पॉइंट्स कितने हैं? 5। ये 5 10 15 एंड 20। देन शी काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर। शी फाउंड एट 4 टाइम्स 5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टिक है 4 टाइम्स क्रॉस कर रही है, तो 4 टाइम्स 5 कितना होगा? 20। लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम्स टेबल विथ स्टिक। तो अब हम 2 का टेबल भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्टिक है और ये वर्टिकल। हम 2 का टेबल कर रहे हैं, तो ये 2 वर्टिकल स्टिक्स है, ठीक है। अब इस पे एक हॉरिजॉन्टल स्टिक क्रॉस हो रही है, यानी 1 टाइम 2। 1 टाइम 2 कितना होता है? ये स्टिक क्रॉस हो रही है, कितने क्रॉस पॉइंट हो जाएंगे इधर? 2। 1 टाइम 2 विल बी 2। सेकंड स्टिक क्रॉस कर रही है, तो टोटल क्रॉस पॉइंट्स कितना हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो 2 टाइम्स 2, ठीक है। 2 टाइम्स 2 कितना होता है? 4। नेक्स्ट थर्ड स्टिक क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो 3 2 ज़ा। कौन सा टेबल कर रहे हैं हम? 2 का कर रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6। या आप ऐसे भी करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्रॉस पॉइंट्स हैं। यानी ये थर्ड स्टिक कितनी जो क्रॉस कर रही है, कौन से क्रॉस पॉइंट पर? इधर 2, और पहले के आपको इसमें ऐड करते जाना है, तो 3 2 ज़ा 6। इसी तरह 4 स्टिक क्रॉस हो रही है, ओके तो 4 टाइम्स 2, यानी 4 2 ज़ा 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 5 टाइम्स 2, ये 5 स्टिक है, 5 टाइम्स 2 कितना होता है? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10, ओके और अगर आप प्लस करेंगे ये क्रॉस पॉइंट्स को, तो भी आपका आंसर आएगा 10। इसी तरह 6 टाइम्स 2 12। 7 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 14। 8 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 16। 9 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 18। एंड 10 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 20। नेक्स्ट आइए, नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 6। अभी हमने कैसे 2 का टेबल किया, ऐसे ही हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल किसका करना है? 6 का, ओके तो इधर 6 का टेबल हम करेंगे, तो 6 वर्टिकल स्टिक्स मैंने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इधर से पास की, तो 1 6 ज़ा 6, क्योंकि देखिए क्रॉस पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्रॉस किए 2 6 ज़ा, तो टोटल क्रॉस पॉइंट्स कितना हो गए? 2 6 ज़ा कितना होता है? 12। ये आप क्या करेंगे, ये पहले के क्रॉस पॉइंट्स कितने थे? 6 थे, प्लस इसमें और 6 ऐड कर दो, हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए साइड पे मैंने लिखा है, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12। 3 6 ज़ा, ये 3 थर्ड लाइन है, ओके तो ये कितनी बार क्रॉस? 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 18। अब आप सारे
सिक्स को कितनी बार लिखेंगे, इधर थ्री टाइम्स लिखेंगे। ये देखिए ये क्रॉस पॉइंट्स, इधर सिक्स थे, इधर सिक्स थे, प्लस इधर सिक्स, तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना हो गया, एटीन। ये आप लिख सकते हैं थ्री सिक्स आ एटीन। इसी तरह फोर्थ लाइन जब पास होगी तो फोर सिक्स आ ट्वेंटी फोर, यानी सिक्स को आप फोर बार ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा ट्वेंटी फोर। इसी तरह हम ये सिक्स का मल्टीप्लीकेशन टेबल करेंगे। नीचे आइए शॉपिंग विथ टेबल्स। हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालना है यानी प्राइस निकालनी है। अब ये देखिए ये टॉफीज दे रखी है रुपीज टू ईच, इसका मतलब क्या हुआ है कि एक टॉफी कितनी रुपीज की है, कितने रुपए की है, एक चॉकलेट टू रुपीज की, तो फोर टॉफीज कॉस्ट डैश रुपीज इधर लिखा है, तो फोर टॉफीज का कॉस्ट कितना होगा। तो हिंट दिया है फोर टू जा, अगर एक टॉफी दो रुपए की है तो चार चॉकलेट आप खरीदोगे तो कितना होगा, हम क्या करेंगे फोर को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर टॉफीज का कॉस्ट होगा एट रुपीज। थ्री पेंसिल बॉक्स कॉस्ट डैश रुपीज, अब एक पेंसिल बॉक्स कितने रुपीज की, ये देखिए ब्रैकेट में दे रखा है टेन, इधर थ्री पेंसिल बॉक्स कितने की है, तो थ्री टाइम्स टेन कर देंगे हम, टेन प्लस टेन प्लस टेन भी कर सकते हो थर्टी रुपीज, या थ्री टेन्स आ थर्टी। सिमिलरली टेन पेंसिल बॉक्स कॉस्ट, अगर एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट टेन रुपीज है तो टेन पेंसिल बॉक्स का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे टेन टाइम्स टेन, या तो टेन इंटू टेन, टेन टेन्स आ कितना होगा हंड्रेड रुपीज। नाइन बैलून्स कॉस्ट डैश रुपीज, अगर एक बैलून पांच रुपए का है तो नाइन बैलून्स कितने का होगा, तो नाइन फाइव्स आ फोर्टी फाइव रुपीज। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 132। फाइव टॉयज कॉस्ट रुपीज डैश, ठीक है ये टॉयज है, एक टॉय कितने का है फोर रुपीज का, तो फाइव टॉयज कितने के होंगे, फाइव फोर जा ट्वेंटी। सिमिलरली सेवन फेस मास्क, ये फेस मास्क दे रखे, एक फेस मास्क है थ्री रुपीज का, तो सेवन कितने के होंगे, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन रुपीज। अब ये देखिए प्रैक्टिस टाइम, कंप्लीट दी फॉलोइंग, ये टेबल्स है। अब ये देखिए टू इंटू सेवन कितना होता है फोर्टीन, या तो आप कर सकते हैं टू टाइम्स सेवन, अगर आपको टेबल नहीं आता तो टू को आप क्या करेंगे सेवन टाइम्स ऐड कर देंगे, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस, ऐसे आप सेवन बार ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा फोर्टीन। फोर टाइम्स नाइन यानी फोर नाइन्स का कितना होता है थर्टी सिक्स, फाइव एट्स का फोर्टी, टेन सिक्स का सिक्सटी, फाइव नाइन्स का फोर्टी फाइव। ओके तो ये आपको कंप्लीट करना है। लुक एट पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम, अब ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब इधर है थ्री सिक्स नाइन यानी ये थ्री का टेबल है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो आगे का पैटर्न क्या होगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन। ओके यानी आपको थ्री थ्री नंबर ऐड करते जाने, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, अगर आपको टेबल नहीं आता तो नाइन प्लस थ्री कितना हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, और फिफ्टीन प्लस थ्री कितना हो जाएगा एटीन। इसी तरह ये टू का टेबल है, टू टू ज़ा फोर, ओके टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी। आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है, फोर टू टू ज़ा फोर, ओके या तो फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, एंड फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर। तो ये आपको पूरा पैटर्न फिनिश करना है। अब आप आइए पेज नंबर 133 पे, ये मल्टीप्लीकेशन ट्री दे रखा है, इसमें बताया कि जो 10 है इसको हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके किस किस तरह इसका आंसर आता है। अब ये देखिए फर्स्ट दे रखा है, टू फाइव आप करेंगे तो भी 10 आएगा, फाइव टू जा अगर आप करेंगे तो भी 10 आएगा, और अगर आप 10 वन जा करते तो भी आपका आंसर आता है 10। इसी तरह इधर 12 दे रखा है, तो ये देखिए अगर आप 12 वन जा करेंगे, मैंने मल्टीप्लाई इधर दे रखा है आपको, तो अगर आप 12 वन जा करेंगे तो भी 12 आएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है, वन ट्वेल्व जा ट्वेल्व। ओके नेक्स्ट है 18, अब 18 किस किस टेबल में आता है, सिक्स थ्री जा आप करोगे तो भी 18 आएगा, थ्री सिक्स अगर आप कर दोगे चेंज कर दोगे तो भी 18 आएगा, टू नाइन जा भी 18 होता है, और नाइन टू जा भी 18 होता है। तो इस तरह आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं।
ओके, तो आज ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.